तो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स आर्टिकल सेंटेंस की। आर्टिकल सेंटेंस में कहा गया है कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है। हमने जो पहले अधिकार पढ़े थे तो उनमें कहीं ना कहीं अगर जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता था तो हम जो है आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और केस कर सकते थे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और नहीं तो हम आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों के लिए कह सकते थे। लेकिन अगर जो बात करें डीपीएसपी की, यहाँ पर जो कानून बनेगा ये राज्य बनाएगी विधायिका, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो एक बार वो बना लेगी और इसी में ही इसका जो कानून बनाएगी या कुछ भी नियम निकाले या योजना निकाले वो परिवर्तन नहीं होगी। ये खुद चाहे तो उसको परिवर्तन कर सकती है विधायिका। अब बात करते हैं आगे 38 की, 38 आर्टिकल 38 की। अब आर्टिकल 38 में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण की बढ़ोतरी बताई गई, सामाजिक कल्याण की बढ़ोतरी बताई गई है। अब बात करें कैसे कि यहां पर जो भी योजना बनाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए ही बनाई जाएंगी, इसमें आर्टिकल में कहा गया है। अब आता है आर्टिकल 39 आता है आर्टिकल 39। अब इसमें कहा गया है कि कल्याणकारी आत्मा की बात की गई है, इसमें ऐसी योजना बनाई जाएगी जो समाज के बढ़ोतरी होगी, और जो इसमें आर्टिकल 39 की बात करें तो इसमें कहा गया है इसमें कल्याणकारी आत्मा। अब इसमें इसका जो है 39A है, और 39A में कहा गया है कि सामान न्याय और विधिक सहायता जो है सरकार कराएगी, मतलब कभी कोई अपराध होगा तो उसको जैसे कोई अपराधी है तो उसे बराबर का होगा, मतलब जो आपके लिए सजा होगी वो एक अधिकारी के लिए भी होगी, मतलब सामान आर्टिकल 39A में कहा गया है कि सामान न्याय और विधिक सहायता मतलब कानूनी जो है बात करें सिविल की है, सिविल सहायता और कानून की सहायता जो है एक राज्य जो है मदद करेगी हर व्यक्ति को। अब इसी के आगे बात करते हैं कि इसी के आगे इसका बी है, आर्टिकल 39 का बी है, और इसमें कहा गया है कि मेल एंड मतलब पुरुष और महिला के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान वेतन दिया जाएगा, सामान कार्य के लिए सामान वेतन, मतलब किसी कार्यालय में अगर एक महिला काम कर रही है या फिर एक पुरुष काम कर रहे हैं, दोनों एक ही पद में हैं, उनके लिए जो वेतन होगा महिला और पुरुषों के लिए बराबर होगा।
महिला और पुरुष के लिए जो होगा ये वेतन बराबर होगा। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, महिला और पुरुष के लिए बराबर वेतन होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बात करते हैं आर्टिकल 40 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन है, मतलब बात करें गांवों का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन है। अब यहां पर कहीं ना कहीं इस जो आर्टिकल में बात करें तो महात्मा गांधी के जो है अंश छलक रहे हैं। इस आर्टिकल में महात्मा गांधी के ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब बात करें कि गांवों में जो आज भी कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 68% रहते हैं गांव में। अब शहरों की बात करें तो ये जो बचे 32% लोग जो आज भी शहर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा गया था कि अगर जो भारत की बात करेंगे तो वो गांव में बसता है और इंडिया की बात करेंगे तो वो शहरों में बसता है। इसमें ही कहा गया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, गांव में बस्ती है, गांव में बस्ती है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें महात्मा गांधी के विचारों को ही ध्यान में रखकर BBSP का उन्हीं के उस सलाह से लिया गया था। अब बात करते हैं आगे आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 में जो कहा गया है, तो इसमें राज्य के लिए कहा गया है आर्टिकल 41। अब इसमें कहा गया है कि जो लोग होंगे उनके लिए काम और शिक्षा और रोजगार कि जो व्यवस्था है कौन करवाएगा, ये राज्य सरकार करवाएगी। इस आर्टिकल में कहा गया है कि रोजगार काम और शिक्षा की जो व्यवस्था है राज्य सरकार करवाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 की। तो आर्टिकल 42, अब इसमें कहा गया है कि कुछ दिशाओं में न्यायोचित प्रस्तुति कहा गया है, कुछ दशा में चित प्रस्तुति कहा। अब बात करते हैं कुछ दशाओं में न्यायोचित प्रस्तुति कहा है। अब इसमें जो आर्टिकल में है, इसमें कोई महिला अगर किसी कार्यालय में कार्य करती है या सरकारी उसमें काम करती है तो उसे प्रसव छुट्टी मिलती है, 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, 6 माह तक छुट्टी मिलेगी, चाहे कंपनी में हो, 6 माह की छुट्टी मिलेगी और उसका वेतन दिया जाएगा, वेतन मिलेगा, 6 माह की छुट्टी मिलेगी और वेतन मिलेगा। बात करते हैं सरकारी अगर जो नौकरी में है तो कब तक, तो ये 2 बच्चे तक,
दो बच्चे तक इसे सुविधा मिलेगी। तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों ने कहा कि अगर जो हम किसी लेडीज को रखेंगे तो वो 6 महीने की छुट्टी देंगे और ऊपर से हम सैलरी देंगे। तो इसलिए इस वाले आर्टिकल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ और कहीं ना कहीं स्त्री को इस सेक्टर में, मतलब बात करें तो नौकरी देने के लिए ही बहुत ज्यादा सोचने लगे। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 43 की। तो बात करते हैं इसमें जो है आर्टिकल 43। अब इसमें बताया गया है कि जो मजदूर है, मजदूरों के लिए कुटिल व्यापार की सुविधा की है। मजदूरों को कुटिल उद्योग की सुविधा के लिए कहा गया है। सुविधा, अब इसके लिए आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं गांधी जी का ही ये छलक रहा है कि क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछड़े वर्ग है, मतलब जहां पे ज्यादा सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए व्यापार की शुरुआत की गई। इसे अगर जो बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा है और जो कहा जाता है, जो हथकरघा कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे जूते बना लेता है तो वो जूते का काम करेगा, या कोई व्यक्ति है डलिया बना लेता, कोई भी काम है, तंबाकू की बीड़ी बनाना या कुछ भी, मतलब छोटे छोटे कार हैं, कालीन बनाना, तो ये सब जो है छोटे छोटे उनके व्यवस्था करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी और उनको प्रमोट भी करेगी और कहीं ना कहीं उनके व्यापार के लिए भी सुविधा देगी। अब बात करते हैं आगे इसमें जो है एक और इसका बी है, आर्टिकल 43 का बी है। अब इसमें जो कहा गया है आर्टिकल 43 में बी में कहा गया है कि श्रमिकों का प्रबंधन, मतलब मजदूरों का प्रबंध करेगी, मजदूरी का प्रबंध। अब मजदूरी का प्रबंध कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और इसके लिए आपने सुना होगा सबसे बढ़िया, पहले नरेगा था, उसका नाम आगे जाकर कह दिया मनरेगा। अब जो ये मनरेगा कर दिया, इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया और यहां पर मनरेगा की शुरुआत भी कर दी। मतलब जो यहां पर रहेगा उसके सुविधा के लिए मनरेगा की शुरुआत कर दी। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 की बात करें कि इसमें जो कहा गया है सामान्य नागरिक संहिता कहा गया है, सामान्य नागरिक संहिता। इसको अगर जो हम शॉर्टकट में कहें तो वन नेशन और वन लॉ। इसकी जो है सामान्य नागरिक संहिता बात करें तो इसका जो है एक देश और एक कानून की बात करता है इसमें। तो इसका उदाहरण जो पूछ ले कहां पे लागू है सामान्य नागरिक संहिता, कहां पे लागू है, तो ये गोवा में, भारत के एक ही राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है, जो राज्य है गोवा। अब बात करते हैं आगे कि आगे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं 45 की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करते हैं आर्टिकल 45 की। अब आर्टिकल 45 में कहा गया है कि बालपन और बचपन बचाने की बात की गई है, बच्चों की
आर्टिकल 45। अब इसमें बालपन या बचपन, बचपन तो इस आर्टिकल में एक परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ तो बात करते हैं कब हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ ये हुआ 2002 में हुआ, ये 2002 में हुआ। और इस संविधान संशोधन में बात करें क्या कहा गया कि 0 से 6 साल, 0 से 6 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा। इसमें बात करें कौन आएगा तो आंगनवाड़ी आएगी, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी आएगी, जिसमें बच्चे जो हैं 0 से 6 साल तक के जो हैं इसमें पढ़ते हैं। तो बात करें 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें 3 जगह परिवर्तन हुआ, इसके जब ये संविधान संशोधन हुआ। अब बात करते हैं किसके समय पर हुआ, तो पीएम की बात कर ले तो इस समय पर जो 2002 में पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इन्हीं की सरकार में ये संविधान संशोधन हुआ 86वां। और बात करते हैं इसका जो परिवर्तन हुआ ये हुआ आर्टिकल 21 ए में हुआ। अब आर्टिकल 21 ए में कहा गया कि जो 6 से 14 साल तक के, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार मिल गया कि उनको अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करें, या अगर जो राज्य व्यवस्था नहीं करवा सकती है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब एक और परिवर्तन हुआ जो ये आपने देख ही लिया कि परिवर्तन 45 में हुआ और 0 से 6 साल तक के बच्चों के। अब बात करते हैं कि एक और आर्टिकल 51 ए में जो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी बढ़ गया कि जो बच्चे हैं कितने, बात करें 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है उनके गार्जियंस को दे दी, माता पिता को, माता पिता को, मतलब माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाएं। तो ये आर्टिकल यहां तक खत्म हो गया। अब बात करते हैं आगे इसी आर्टिकल में, अगर जो बात करें अब आएगा 46 आएगा आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 46 में कहा गया है कि इंदिरा आवास की बात की गई है, इंदिरा आवास की, इंदिरा आवास, इंदिरा आवास किनको मिलेगा तो वो एससी और एसटी के लिए आवास योजना का जो है इंदिरा आवास योजना एसटी एससीओ के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 की, आर्टिकल 47 में बात करें तो राज्य, राज्य जो है यहां पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए बात काम करेगी। अब स्वास्थ्य के लिए काम इसको लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य की बात करेगी, और इस लोक स्वास्थ्य की बात करें कि क्या करेगी लोक स्वास्थ्य, तो सबसे पहले इसमें जो ऐसे काम नहीं होने देगी कि जो मद्यपान निषेध कर दिया,
मद्यपान निषेध, निषेध। अब बात करें मद्यपान निषेध कर दिया, जो ऐसे सारे व्यापार में बैन लगाएगी सरकार जो यहां पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो। बात करें इसमें नशा है और दारू, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बैन लगाएगी सरकार जो व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो। अब बात करते हैं कि इसी में अगर जो पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर दारू बैन है, तो दारू की बात करें कहां बैन है, तो सबसे पहले कोई राज्य है जिसने दारू को बैन किया तो वो है बिहार। बिहार राज्य है जहां पर सबसे पहली बार शराबबंदी हुई और इसके बाद लगातार होती चली गई, असम में हो गई और नागालैंड में हो गई, या पूर्वी साइड के राज्यों में हो गई। नागालैंड की बात करें और मिजोरम की बात करें तो इन छोटे छोटे राज्यों में जो है शराब पाबंदी हो गई, यूपी में है नहीं। और कहीं ना कहीं जो हमारे बात करें कि इसका बहुत सारा जो बजट में इसका ज्यादा बड़ा रोल होता है, इसलिए इसे बंद नहीं किया गया। बात करते हैं आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 में जो बात की गई है वो की गई है पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण, सॉरी अभी हां ये फ्रेंड्स अभी आर्टिकल इसमें कृषि की बात की गई है, कृषि का विकास। जो आर्टिकल है इसमें कृषि का विकास और पशुपालन की बात की गई है इस आर्टिकल में, कि मतलब राज्य में जो है कृषि और दुधारू पशुओं का पालन करेगा। और अब तो योजना भी चली है कि गाय पालो और योगी गवर्नमेंट जो है उनको 900 रुपए पर गाय के हिसाब से जो है देगी, रुपए मदद करेगी, आर्थिक मदद करेगी। अब बात करते हैं इसी का जो है दूसरा आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 48 का ए में पर्यावरण संरक्षण कहा गया है, पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो इसमें सब चीजें आ जाएंगी जो पर्यावरण से संबंधित होगी। अब इसी के बाद में आर्टिकल जो है 49 है, आर्टिकल 49 है, तो इसमें जो है स्मारकों का संरक्षण कहा गया है, स्मारकों का संरक्षण, जो हमारे हेरिटेज है, जो ऐसे चीजें बनी हुई हैं जिसको देखने के लिए विदेशी भी आते हैं, उनका हम कहीं ना कहीं संरक्षण करेंगे, ये इसमें कहा गया है। और अब आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 में जो बात की गई है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्राधिकरण, कार्यपालिका न्याय, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण कहा गया है। अब लास्ट का जो आर्टिकल बचता है जो है आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 में जो कहा गया है कि इस आर्टिकल में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है, इस आर्टिकल में जो है
राज्य का प्रावधान है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है इस आर्टिकल में। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक क्लास करते हैं और बात करेंगे किसी दिन और आएंगे और इसी के टॉपिक में। पर्यावरण संरक्षण की बात करें कब आया तो ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया, अगर जो कभी क्वेश्चन में आ जाए तो बात कर। हाँ फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए देख लीजिए, आपको बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।